हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में कल का आपको हम निश्चित रूप से सब पढ़ा चुके हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको बताए थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एन शब्द आता है लास्ट में, और उसके यौगिक जो होते हैं उनका नाम से लास्ट में एन आएगा, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको बांड बताए थे कि इनके इनके में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध होता है। इन यौगिकों के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंध होता है? एकल बंध होता है। तो कल का सब आपको ये समझाते हैं, आज आपको उसी के पहले यौगिक के बारे में समझाएंगे जिसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला यौगिक है। इस अब इसके बारे में थोड़ा सा याद समझिए, फिर आगे बताएंगे आपको। मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन, अगर कोई पूछता है मीथेन तो कहेंगे यह प्राकृतिक गैस है। कौन सी गैस है? प्राकृतिक, और यह एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है। इसके एक अणु में कार्बन का एक परमाणु होता है। इसके एक अणु में मीथेन के एक अणु में कार्बन के एक परमाणु होता है, जो चार हाइड्रोजन परमाणु के साथ आबंधित होता है। यह मीथेन हो गया। ठीक, मीथेन है क्या? तो आप बताएंगे सरलतम हाइड्रोकार्बन है, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। पहला मीथेन, इसमें कितने कार्बन होते हैं? एक कार्बन होता है। इसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं? चार हाइड्रोजन होते हैं। इनके उनके परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध होता है? तो बताएंगे एकल बंध होता है, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध ही पाया जाता है। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा बता दिए हैं। आणविक सूत्र अगर आपसे कोई पूछे कि मीथेन का आणविक सूत्र बताइए, तो आप बताएंगे CH2। अभी पढ़े हैं कि कार्बन एक परमाणु और चार हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है मीथेन, तो CH2, एक कार्बन हो गया, चार हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र अगर आपसे कोई लिखने के लिए कहता है तो देखिए कार्बन को बीच में रख दिए, और इसके साथ ये जो बिंदु देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु है, इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, दर्शा रहा है दो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो दो दो। अब यह दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध बनाते हैं C और H के बीच में। अगर आप बंध इलेक्ट्रॉनिक सूत्र के यानी बिंदु के रूप में दिखाते हैं मीथेन के सूत्र को, तो ऐसे दिखाइएगा सी, और जैसे जैसे बना के डाट डाट करके बनाए वैसे। संरचनात्मक सूत्र अगर आपसे कोई पूछता है तो इन बिंदुओं को हटा करके एक पट लाइन, यानी यही बांध है। क्या है? बांध, इसे बंध कहते हैं, जो आपको कल बताया। देखिए एकल बंध है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध। तो ये ऐसे अगर फिगर बना करके आप बताते हैं तो बताइएगा संरचनात्मक सूत्र। अगर आपसे कोई अणुभार पूछता है तो आप बताएंगे 16, क्योंकि कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन 4 है, तो 1 × 4 = 12 = 16 होता है। तो आज आपको हम सब इसका मेन पॉइंट बताए, मीथेन का परिभाषा क्या है, मीथेन कितने अणु परमाणु, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, कौन कौन परमाणु होते हैं, इनका आणविक सूत्र क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र क्या है, संरचनात्मक सूत्र क्या है, और आगे